नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी तेज है। चुनाव प्रचार को धार देने कौशाम्बी में स्टार प्रचारकों की आवाजाही है। पांचवें चरण के तहत 27 फरवरी को मतदान होना है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव करारी पहुंचे, अपनी जनसभा को संबोधित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा की सरकार में गरीबों का कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू किए हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, अमीरों के बच्चे सीबीएसई यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। यदि हमारी सरकार बनी तो सभी बच्चे एक समान स्कूल में पढ़ने जाएंगे।